सोनम कपूर ने अपनी लाइफ से जुड़ा एक शॉकिंग खुलासा किया है। वुमन मैगजीन फेमिना को दिए इंटरव्यू में सोनम ने बताया था कि जब वो 13 साल की थीं तो उस दौरान एक अनजान शख्स ने उन्हें गलत जगह टच किया था। सोनम ने बताया, एक बार जब वो मूवी देखने गई थी तो अंधेरे में किसी अनजान शख्स ने उन्हें गलत तरीके से टच किया। इस वाकये के बाद वो काफी घबरा गई थी। अंधेरे के कारण वो उस शख्स का ठीक से चेहरा भी नहीं देख पाई। इसके बाद जब उन्होंने ये बात स्कूल में अपनी टीचर और काउंसलर्स को बताई तो उन्होंने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। जब उन्होंने ये बात टीचर को बताई तो उन्होंने कहा, महज टच करना या छूना मोलेस्टेशन या छेड़छाड़ नहीं होता। उनका कहना था कि जब रेप हो तो ही वो मोलेस्टेशन कहलाता है। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद मैंने ये बात अपनी मॉम को बताई थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।